देहरादून से दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस आज से विधिवत तौर पर शुरुआत हो गई है और आज जो ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस उसके माध्यम से जो तमाम लोग हैं वो देहरादून से दिल्ली तक आरामदायक सफ़र की जो शुरुआत है वो हो चुकी है क्योंकि इसमें बहुत सारी सुविधाएं भी हैं, सफ़र आरामदायक है और जो तमाम लोग हैं आज इसकी विधिवत शुरुआत पर भी आज देखा जा रहा है कि पूरी वंदे भारत एक्सप्रेस में ज़्यादा लोग आए हैं क्योंकि अगर वेटिंग लिस्ट की बात भी करें तो तकरीबन 6 जून तक वेटिंग अभी इस पर चल रही है और ऐसे में आप देख सकते हैं कि वंदे भारत एक्सप्रेस से तमाम लोग आज यहाँ से दिल्ली तक का सफ़र करने वाले हैं क्योंकि 25 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन वर्चुअली तौर पर इसका शुभारंभ किया था। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद देहरादून पहुंचे थे, मुख्यमंत्री धामी मौजूद थे और उसके बाद आज से इसकी प्रॉपर शुरुआत हो गई है और हफ्ते में 6 दिन ये ट्रेन चलेगी तो आरामदायक सफर है, साथ ही साथ एक अच्छी जो सुविधा है वो भी लोगों को मिलेगी क्योंकि टाइमिंग है सुबह 7 बजे यहां से रवाना होगी और ठीक 4 घंटे 45 मिनट में दिल्ली ये वंदे भारत एक्सप्रेस पहुंच जाएगी। कुछ लोग मौजूद हैं, किस तरीके से इस सफर को देखते हैं? मैं वंदे मातरम ट्रेन के, मेरा नाम निखिल गर्ग है और मैंने वंदे मातरम ट्रेन के बारे में बहुत सुना था, ये पहल की है प्रधानमंत्री जी ने और विश्वास करिए जब मैं इस ट्रेन के अंदर आया तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि मैं इंडियन रेलवे की ट्रेन में बैठा हूँ, इतना साफ़ सुथरा प्यारा सा कोच। तो मैं अपनी वाइफ को एक्साइटेड होकर बताया मैंने फ़ोन करके कि मैं वंदे मातरम में बैठा हूँ और मुझे लगता है ये बहुत अच्छी पहल है और हमारा देश सही में एक बहुत ही करना चाहिए आगे बढ़ रहा है और उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी की बड़े बहुत करना चाहिए योगदान है और हम चाहेंगे कि 2024 में भी उन्हीं की सरकार आए जिससे कि देश में और आगे तरक्की हो और इसी कामना के साथ मैं बहुत शुभकामनाएं रेलवे को, इंडियन रेलवे को देना चाहता हूं कि ऐसे कार्यक्रम करते रहें, ऐसी नई नई ट्रेनें डालते रहें जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस अच्छा उनका हो और यानी कि एक तरक्की के तौर पर भी देखते हैं किस तरीके की ट्रेन मिली है। सर क्या नाम है, किस तरीके से देखते हैं आप? मेरा नाम सोमवारी नौटियाल है और जब मैं वंदे भारत ट्रेन में आया तो मुझे बड़ी उत्सुकता थी, जब 25 तारीख उद्घाटन हुआ तो मैंने कहा पहला सफ़र मैं दिल्ली जाऊंगा तो इसी से करूंगा। निश्चित रूप से बहुत ही नायाब और बहुत ही सुंदर ये जो है ट्रेन लॉन्च की है और मैं समझता हूँ कि जो देहरादून से एक ट्रेन की आवश्यकता थी दिल्ली तक, वो एक और ट्रेन देहरादून को मिली, बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं और मैं रेलवे की बहुत तारीफ़ करता हूँ, सरकार की बहुत तारीफ़ करता हूँ लेकिन मैं एक आम जनमानस से भी अनुरोध करता हूँ कि सरकार बहुत अच्छा डिज़ाइन करती है लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम उसकी सफाई नहीं रख पाते, इसके साथ साथ हमारा फर्ज बन जाता है कि लोग बोतलें ले जाते हैं अंदर, सोचते हैं कि सरकार की ड्यूटी है, ये सरकार की ड्यूटी, अच्छी ट्रेन हमें मिली है अब हम जनता की ड्यूटी की इस ट्रेन को ऐसा ही रखें। मैं सबसे भी अनुरोध करूंगा यात्रियों से इस चीज़ को जरूर बनाए रखें, इसका जो सिस्टम है, इसकी जो उपलब्धता है, इसकी जो मतलब ऊँचाई है उसको जरूर गरिमा बनाए रखें। धन्यवाद। बिल्कुल, यानी कि साफ सफाई भी बनाए रखें, तमाम और लोग भी मौजूद हैं। कहाँ तक का सफ़र हो रहा है आप लोगों का? मैं अमरावती महाराष्ट्र से आया हूँ सर और लकीली मुझे ये ट्रेन में सफ़र करने का मेरे बेटे ऋषभ जोशी के वजह से मौका मिला है। मैं बहुत आनंदित और गदगद महसूस कर रहा हूँ और थैंक्स करता हूँ मोदी जी को और भारत सरकार को जो विश्व दर्जे की सुविधा, रेलवे की सुविधा हमको यहाँ उपलब्ध कराई है, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। अच्छा, आप लोग बताइए कहाँ कहाँ से हैं और जा रहे हैं वंदे भारत से, तो इस तरीके का एक्सपीरियंस है? सर हम लोग देहरादून से ही बिलोंग करते हैं और फर्स्ट टाइम हम वंदे भारत देहरादून से स्टार्ट होने की खुशी में हम लोग पहली जर्नी आज इससे कर रहे हैं। थैंक्स टू मोदी जी, थैंक्स टू इंडिया, प्राउड टू बी एन इंडियन। देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और बता रहे हैं, आप बताइए भाई साहब इस तरीके का जो एक्सपीरियंस है क्योंकि अभी तक ऐसी हाईटेक ट्रेनें नहीं थी हमारे पास, एक ट्रेन मिल गई है जी। नहीं, हमें तो बहुत खुशी है, हम देहरादून से जा रहे हैं, आज पहली बार जा रहे हैं, बहुत खुशी है, बहुत अच्छी बात है कि भाई मोदी जी ने उत्तराखंड के लिए भी कुछ सोचा है। तो बिल्कुल 25 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी वर्चुअली इसका शुभारंभ किया था और आज से विधिवत तौर पर ये ट्रेन यहाँ से शुरू हो गई है। यात्रियों में इसको लेकर काफ़ी उत्साह भी है क्योंकि बहुत सारी आरामदायक सफ़र है, तो 4 घंटे 45 मिनट में ये दिल्ली तक जो है यात्री यहाँ से सफ़र कर सकेंगे। बीच में 5 स्टेशन भी हैं और इसके अंदर फर्स्ट एड से के साथ साथ ही खाने पीने की जो और सुविधाएँ हैं वो भी उन सुविधाओं से लैस भी वंदे भारत एक्सप्रेस है। देहरादून से दिल्ली के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस की आज से विधिवत शुरुआत और आप देख सकते हैं कि वंदे भारत एक्सप्रेस विधिवत शुरुआत के पहले दिन यहां से अब रवाना हो चुकी है। इस ट्रेन की जिस तरीके से बताया कि बहुत सारी हाईटेक सुविधाएं हैं, वहीं अगर बात करें तो यहां पर आरामदायक सफ़र लोगों को मिल रहा है और देखिए पहले दिन वंदे भारत एक्सप्रेस यहां से रवाना हो चुकी है और वंदे भारत एक्सप्रेस में आज हमने अंदर भी देखा कि तमाम जो यात्री हैं वो आज इस किस तरीके से इस ट्रेन में सुविधाएं हैं उन तमाम चीज़ों का लुत्फ लेने के लिए भी आए हैं और यहां से अनेक स्टेशनों पर हरिद्वार, रुड़की, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ होकर ये दिल्ली पहुंचेगी। 4 घंटे 45 मिनट का ये सफ़र रहेगा और वंदे भारत एक्सप्रेस की जो शुरुआत है
वो आज से विधिवत तौर पर हो गई है। हफ्ते में 6 दिन ये ट्रेन यहाँ से चलेगी। सिर्फ बुधवार को ये ट्रेन यहाँ से नहीं जाएगी, बाकी 6 दिन वंदे भारत एक्सप्रेस चलेगी। और यहाँ से सुबह जो वक्त है जो वो 7 बजे का है, और 7 बजे के वक्त पर यहाँ से अब हफ्ते में 6 दिन वंदे भारत एक्सप्रेस रवाना होगी और ठीक 4 घंटे 45 मिनट में दिल्ली पहुँच जाएगी। इस आरामदायक सफ़र का आज से लुत्फ लेना लोगों ने शुरू कर दिया है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से सौगात दी है उनका भी शुक्रिया करते हुए तमाम यात्री नजर आए हैं। सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि कैंत्रा, ABP गंगा, देहरादून। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।